पिन क्या है, ये कैसे आएगी, और अगर ना आए तो इससे आप पेचीदगी से कैसे बच सकते हैं। इससे रिलेटेड तमाम तजर्बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए यूट्यूबर इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तेसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माई चैनल। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी पिन मुझे मौसूल हो गई है। ज़ीरो से सफ़र शुरू होने वाला आज दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है। पहला जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो पहला पड़ाव तब था, और आज दूसरा पड़ाव है जब मेरी पिन आ चुकी है और चैनल वेरिफिकेशन के लिए इस दरवाहे पर आ चुका है, जब मैं आपके साथ अपने ख्यालात को शेयर कर सकती हूँ और अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में कुछ मालूमात आपको बता सकती हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होगी, ताकि आप भी इस सफ़र से डीमोटिवेट ना हो, बल्कि मेरी दुआ है कि आप बढ़ते जाएं और फिर बुलंदी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। दो साल पहले मैंने ये चैनल ज़ीरो सब्सक्राइबर और ज़ीरो व्यूज़ के साथ शुरू किया था, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ काम का आइडिया नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस को देखने के बाद कुछ ऐसी दोस्तों की कुछ कहने पर मैंने ये चैनल शुरू किया, और चाहती थी कि जो मैं कर सकती हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको सिखा सकूँ, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि इंसान वही उस्ताद है जो कि अपने इलम को ज़ाया ना करे बल्कि दूसरों को पहुँचा सके और सिखा सके। तो तब मैंने ये सोचते ही ये चैनल शुरू किया। इससे पहले ये चैनल मेरा कुकिंग व्लॉग्स और थॉट्स पे मुश्तमिल था। मैं अकेले अल्लाह ताला के भरोसे चलती रही, और इस तरह आपके प्यार, आपके खलूस और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, लाइक और शेयर की कड़ियाँ मेरे साथ जुड़ती गईं, और इस तरह मेरा रास्ता और आसान हो गया। YouTube का जो समंदर था मैं उसमें समा गई, और समाने के बाद आपके लिए कुछ नए ट्रिक हैक्स और इस तरह की अब चीज़ें लेकर आ रही हूँ जिन्हें आप पसंद करते हैं और फीडबैक भी देते हैं, तो आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ अपने प्यार में कमी मत कीजिएगा, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो ला सकूँ। आज मेरा चैनल 5 लाख व्यूज़ और 5000 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है, और मुझे आगे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसी तरह से ही सपोर्ट करते रहिएगा। YouTube पर काम करते हुए जब आप एक ही नीश में वीडियोस डालते जाते हैं, तो इस तरीके से YouTube आपको कुछ साइन देता है कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप डीमोटिवेट होने के बजाय और मेहनत करते जाएं और करते ही चले जाएं। इस तरीके से मोनेटाइज होने के बाद आप मज़ीद और मेहनत करें तो आपका चैनल $10 तक जब पहुँच जाता है, तो उसके बाद YouTube आपको Google Adsense की तरफ से पिन आपके एड्रेस पर सेंड कर देता है, और यही डिजिट्स होते हैं जो कि आपने अपने चैनल में ऐड करके अपने चैनल एड्रेस की वेरिफिकेशन करवानी होती है। पहले जब आपको ईमेल मसूल हो, तो उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड और इस तरह अपनी तमाम जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो अगर आपके पिन दोबारा ना आए, तो दोबारा दूसरी टर्न 25 डेज के बाद आप दोबारा इस टर्न का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब मज़ीद 25 डेज गुजर जाएं, तो तीसरी टर्न आ जाएगी। इस तरीके से थर्ड टर्न के 25 डेज पूरे होने के बाद भी अगर आपकी पिन वेरिफिकेशन नहीं आई, तो इस तरीके से आपके गूगल एडसेंस के ऊपर ईमेल अब मसूल हो जाएगा और एक फॉर्म आ जाएगा, आप ईमेल के थ्रू भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मेरा ये मालूमात देने का मकसद ये था कि कुछ बहन भाइयों ने मेरे फीडबैक दिया था कि आपकी पिन के बारे में जो मालूमात है वो हमें बताएं, तो मैंने ये अपनी पिन की मालूमात शेयर की है, और मेरी दूसरे टर्न में ही पिन मुझे मौसूल हो गई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और अगर आपको दूसरे टर्न में पिन मौसूल नहीं हुई तो आप एक ज़रूरी काम करें कि आप पोस्ट ऑफिस चली जाएं और वहां पर जाकर अपनी पिन का उनको हवाला दें, और इस तरीके से उनको ये कहें कि आप उनको कुछ देंगे, तो इस तरीके से वो इसी आस में होंगे कि अगर पिन आएगी तो हम इनको पहुंचाएंगे और ये हमारी कुछ मदद करेंगे, तो आपकी पिन ज़रूर आपके घर तक पहुंच जाएगी।
یہ پن آنے کے وہ تجربات تھے جو میرے ساتھ ہو چکے تھے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور ان تمام پریشانیوں سے بچیے گا. خدا کے بھروسے اچھی نیت لے کر اور ریگولر ورک اور صرف کام کی ہی اسٹرگل لے کر چلیے گا تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور اچھا انسان وہی ہے جو کسی کو اگر فائدہ نہیں دے سکتا تو کم از کم نقصان بھی نہ دے. تو انہی اچھائیوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں ادھر ہی ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے کول و فیل میں تضاد نہیں کریں گے اور اچھے اچھے اس طرح ویڈیو لاتے رہیں گے اور لوگوں کے لیے فائدہ دیتے رہیں گے. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.